अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मियों के लिए खास हेल्दी एंड टेस्टी एनर्जी से भरपूर सत्तू के शरबत की रेसिपी। गर्मी से बचने के लिए ये एक मैजिक इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा सुपर फूड जो नेचुरल है, जिसका नाम है सत्तू। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, फैट बहुत कम होता है, इसलिए हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, हाई ब्लड प्रेशर में भी मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये देखिए, ये सत्तू है, ये रोस्टेड चने से बनता है, ये चने हैं, इस चने से बनता है। ये चने जब रोस्ट कर दिए जाते हैं तो ये रोस्टेड चने हो गए, तो सत्तू इस चने से बनता है। इसमें हाई प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होता है, ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। आप चने का सत्तू लीजिएगा या जौ का, जब ये आटा बन जाता है पीसने के बाद तो ये सत्तू कहलाता है। मार्केट में आप जाइएगा, जब कहेंगे तो आपको मिक्स वाला भी सत्तू मिलेगा, चने और जौ का। सत्तू को अलग अलग कंज्यूम करने का तरीका होता है, आप इसको पतला वाला घोल के भी बना सकते हैं, पराठे भी स्टफ्ड करके बना सकते हैं और इसकी लिट्टी भी बना सकते हैं। तो सत्तू का शरबत बनाने के लिए इधर हम ले लेंगे एक बोल, बोल में ये सत्तू हम ट्रांसफर कर देंगे। और हाँ, सत्तू बनाने के लिए जितने गिलास आपको सत्तू बनाना हो उतना आप सत्तू लीजिएगा। दो गिलास बनाना है तो आप इसमें दो टेबल स्पून डालिएगा, चार गिलास बनाना है तो चार टेबल स्पून डाल लीजिएगा। तकरीबन ये है मेरा 5 टेबल स्पून चने का सत्तू, और ये है शक्कर 5 टेबल स्पून। आप मिठास इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1/2 टीस्पून है इसमें, ये मैं डालूंगी काला नमक, 1/4 टीस्पून है ये नॉर्मली नमक जो हम खाते हैं रोज, थोड़ा सा ये मिंट लीव्स मैं इसमें डालूंगी खुशबू के लिए। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, आप खट्टा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें लेमन जूस 2 डाल लीजिएगा, छोटे बड़े नींबू पे भी डिपेंड करता है जिस तरह का जूस आपके नींबू में निकले। मैंने यहाँ पे 1 नींबू का जूस ऐड कर दिया है, ऑप्शनल है। अब इसमें जाएगा चिल्ड पानी 1 कप। पहले हम इसको मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि हमारी शक्कर जो है वो डिसॉल्व हो जाए। आप इसमें शक्कर पाउडर भी ले सकते हैं और दानेदार भी शक्कर ऐड कर सकते हैं। सत्तू हमारा यहाँ रेडी हो गया है, मैंने इसमें भुने जीरे का पाउडर डाला है, और अगर आपके पास जलजीरा पाउडर है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको नमकीन सत्तू की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ नमकीन सत्तू की रेसिपी भी शेयर करूंगी। सत्तू का शरबत रेडी हो गया है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने 2 यहाँ पे ग्लास ले लिए हैं, और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे आइस क्यूब। जितना चिल्ड पियेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए हम इसमें अपना रेडी किया हुआ सत्तू का शरबत वो पोर कर देते हैं। सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी सत्तू का शरबत बनके तैयार हो गया है। इस तरह से आप थोड़ा सा पुदीने से इसको गार्निश भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल लगता है, अच्छा लगता है देखने में। नींबू की स्लाइस लगा दीजिएगा इस तरह से। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने फीडबैक्स जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।